दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहेगा कि ये जो होम स्टे है तो वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट बोमडिला के जो जितने भी जो यूथ्स हैं सभी को यहाँ पर रहने के लिए दिया गया है। और मैं आप सभी को बता यहाँ के जो ओनर है काफ़ी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा से रिगार्ड किया है हम लोग को, खाना पीना के लिए अच्छा से अरेंजमेंट कर देता है और ओनर ही बहुत अच्छा है। कहा मस्ती होता क्या है नाम सिंगी सारी दुनिया कहा मस्ती होता क्या है ओ यारो प्यारों में भर लो ना बदूमियों के तो आज हम लोग पहुंच चुका है यहाँ में, अभी यहाँ से निकलना है। तो सब लोगों यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट से आदमी 11-12 तो मतलब सभी को लड़का लड़की करके बुलाया, सब लोग अभी वहाँ में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आप सभी को बताने चाहेगा कि आज हम लोग यहाँ पर बसर पहुँचा है और आज सुबह से हम लोग को 7 बजे को हम लोग का ये सर्किट हाउस में बुलाया गया है और यहाँ जितने भी अरुणाचल में जो 26 डिस्ट्रिक्ट है सभी को बुलाया गया है। और आज 26 डिस्ट्रिक्ट से जो जितने भी युवा हैं जितने भी आया है सब यहाँ के बसर में, पहले ऐसा था कि काफ़ी तकलीफ, जो पानी का जो सोर्स जो काफ़ी तकलीफ था बोला, तो उसको कैसे करके बसर को पानी जो कैसे सप्लाई किया गया है उसके बारे में दिखाया जाएगा आज। तो इसलिए सभी को नॉलेज सीखने के लिए देख के अपना जो डिस्ट्रिक्ट में अपना जो ब्लॉक में जाके कुछ नॉलेज वापस लेके जाने के लिए हम लोग को बुलाया गया है। क्योंकि पहले ये बसर जो ऐसे कहता था कि पानी नहीं था, काफ़ी तकलीफ था, तो एक बूंद पानी को जैसे कि टैंकी जिसे बनाया, उसके बाद एक से दो से तीन करके सोर्स आने के बाद आज बसर को जो पब्लिक का
ये पानी का बिल्कुल कमी खाती नहीं है, तो काफ़ी यहाँ के पब्लिक लोग पानी को सही ढंग से यूज़ कर रहा है। और मैं आप सभी को बताना चाहेगा कि स्पेशली जो फॉरेस्ट्री है, जो पेड़ पौधा ये बिल्कुल नहीं काटना है। कहीं कहीं जो पहाड़ का इलाका होता है, वो जो जो बीच में जो पानी थोड़ा मोड़ा जो निकलता है, वो इसलिए निकलता है कि जहाँ साइड साइड में काफ़ी फॉरेस्ट्री पेड़ होता है, उसका वजह से रूट से पानी निकलता है। तो उसको हमेशा मैं रिक्वेस्ट करना चाहिएगा, नेचर चीज़ को हमेशा सेव कीजिए। और थोड़ा देर के बाद आप सभी को लास्ट में दिखाया जाएगा कि एक्चुअली हम लोग किस लिए आया है और क्या क्या चीज़ दिखाने जा रहे हैं। थैंक यू। तो सब लोग यहाँ में अभी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं। हमें रजिस्ट्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अवेलेबल नहीं होता, यहाँ पे दो ही होटल है, वो सीट भी मिलता नहीं, इसलिए होम स्टे में आप लोग को एकोमोडेट किया है लोकल इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। और एक बासर एक एग्जांपल है ये फील्ड में ना, इसीलिए आप लोग बैठते समय भी थोड़ा इन लोग से भी बातचीत करिए, जो होम स्टे का ओनर है इन लोग से भी कुछ आइडिया लीजिए कैसे करना है क्या करना है, ऐसा करके आप लोग ये चीज को आपका जगह में जाके भी ना सभी को बासर पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम कार्तोबा सर है, मैं एक्चुअली ये ईवी प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और वो जो ईवी प्रोजेक्ट है उसी को चला था, केयर टेकर भी हूँ मैं वहाँ का। तो ईवी प्रोजेक्ट सर ने अभी कहा छोटा छोटा चीज़ है, अब आमतौर पर देखा जाएगा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू अगर आपको देखना है तो वैल्यू जो है आप इम्प्लीमेंट करेगा, जब इम्प्लीमेंट करेगा तो आप वो प्रोजेक्ट का वाटर हम लोग कैसे जैसे हम लोग ने वाटर कंजर्वेशन किया है उसको आप लोग रिजल्ट मिले। देखने में तो कुछ नहीं है सर ने अभी बताया तो हम, लेकिन आउटकम वहाँ जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हम लोग का आउटकम क्या है आपको। तो आप सब PWSC मेंबर्स, PRI मेंबर्स, एक JPC भी आया हुआ है रोइंग का, सर आपको भी बहुत बहुत वेलकम। आप लोग टॉर्च बेयरर है आपका बस्ती का, आपका विलेज का। तो आप अभी जब यहाँ में जाएगा, जंगल में जाएगा, हम लोग पहाड़ में चढ़ेगा, अरुणाचल तो पहाड़ से भरा हुआ है, तो आप ऐसे भी हो सकता है कि वहां में देखते समय ये क्या है, कुछ देखने लायक ही नहीं है, ये तो एक सिंपल सा चीज है, छोटा मोटा चीज है, ऐसे आप सोच सकता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। अभी जल जीवन मिशन तो आपका हर एक बस्ती में हो चुका है, तो उसको वो पानी अगर सूखने से आप टैंकी आप सोना से बनाने से भी काम नहीं है, तो आप सोना से चांदी से टैंकी बना के रखने से भी वो टैंकी में पानी नहीं आएगा तो बेकार हो गया। इसीलिए अभी जल जीवन मिशन खत्म होने जा रहा है, लेकिन पानी को सस्टेन करने के लिए किस तरह से सस्टेन करता है, उस एक आदमी ने इगाम बासर बोल के, बासर का एक लोकलाइज एक ऑफिसर है, उसने सिंगल हैंडेडली एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगर एक आदमी ऐसे कर सकता है तो आप लोग सब मिलके BWSC मेंबर सब बस्ती वाला मिलके इससे भी आप लोग बड़ा कर सकता है। उसी को दिखाने के लिए आप सबको यहाँ में एक्सपोजर टीम में लेके आया है। छोटा छोटा चीज है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। आदमी ज्यादा हो गया बोल के हम लोग ये माइक ये साउंड सिस्टम यूज करेगा, जगह जगह में रुक के आपको बताएगा। ये जो हम लोग का ईवी प्रोजेक्ट का ये मालिक भाई है उसका ये ब्रीफिंग करेगा आप लोग को, ये स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाया, इसका क्या काम है, वो सब आप लोग को दिखा देगा ना। तो मेरा बात को ब्रीफिंग को यही में हम खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल।